वह जॉब प्रोफाइल जो होने वाला है काफी अच्छा होने वाला है। क्या होता है 59,352 रुपीज। क्या हम लोगों को ड्राइंग भी बनाना होता है? क्या हमको ऑटो कैट सीखना होगा? क्या हमको कैटिया सीखना होगा? हेलो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में जो रेलवे में ड्राइंग एंड एस्टिमेशन डिपार्टमेंट में जूनियर इंजीनियर होते हैं उनके जॉब प्रोफाइल के बारे में, उनका काम क्या होता है, उनके वर्क प्रोफाइल के बारे में, उनका ट्रेनिंग कहाँ होता है, उनका ड्यूटी आवर कितने घंटे की होती है, प्लस में उनको दोस्तों उनको हफ्ते में कितने दिन की छुट्टी मिलती है, उनका सैलरी कितना होता है, पूरा इस वीडियो में डिटेल से चर्चा करेंगे दोस्तों। दोस्तों स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल इंजीनियर श्रवण रेलवे में एक नए वीडियो के साथ। तो मुझे आशा है कि आप लोग खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और व्यस्त होंगे अपने लाइफ के अच्छे अच्छे कामों में। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, तो दोस्तों हम अपने बारे में आपको थोड़ा बताना चाहते हैं। दोस्तों अभी अभी हम रेलवे में ग्रुप डी से GTC एग्जाम पास करके जूनियर इंजीनियर बना हूँ ट्रैक मशीन डिपार्टमेंट में। तो दोस्तों आप जरूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि दोस्तों हम आपके लिए इस टाइप का वीडियो लाते रहते हैं। और कमेंट बॉक्स में कमेंट ये भी कीजिएगा कि आपको किस टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहिए। तो चलिए दोस्तों देर ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों ये वीडियो मैं हमारे एक सब्सक्राइबर है मोहित कुमार, उनके डिमांड के ऊपर बनाने जा रहा हूँ। दोस्तों आप भी अगर कोई टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। तो चलिए दोस्तों देर न करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जो ड्राइंग एंड एस्टिमेशन डिपार्टमेंट होता है रेलवे का, ये दोस्तों एक्चुअली में सब डिपार्टमेंट होता है, जो कि सभी डिपार्टमेंट में होता है। आपका मैकेनिकल में भी होता है, सिविल में भी होता है, आपका इलेक्ट्रिकल में भी होता है, एसएनटी में भी होता है। तो सभी डिपार्टमेंट का ये सब डिपार्टमेंट है दोस्तों। लेकिन दोस्तों वर्क माने तो सबका सेम ही काम है। जो इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट का रहेगा जो वो इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट वाला ड्राइंग को देखेगा, और जो मैकेनिकल वाला रहेगा वो मैकेनिकल वाले ड्राइंग डिपार्टमेंट को देखेगा, जो एसएनटी वाला रहेगा वो एसएनटी वाले ड्राइंग डिपार्टमेंट को देखेगा, जो सिविल वाला रहेगा वो सिविल वाले ड्राइंग डिपार्टमेंट को देखेगा। तो एक्चुअली में जो सबका काम है दोस्तों वो सेम रहता है, सबका एक ऑफिस में ही काम होता है। आपका जो इसमें अपॉइंटमेंट होता है दोस्तों, आपका जो इसमें आपका या तो आपका हेडक्वार्टर में होगा, जो हेडक्वार्टर होता है जोन का वहां पे, या तो आपका डिवीजन में होगा या तो सब डिवीजन में होगा जहां पे एडीएन वगैरह बैठते हैं। और डिवीजन बोले तो जहां पे सीनियर डीएन डीएन डीपीओ ये सब जहां बैठते हैं वहां पे आपका अलॉटमेंट होगा, वहां पे आपको ड्यूटी मिलेगा ऑफिस में, या तो आपका हेडक्वार्टर में मिलेगा जोन का। तो दोस्तों आपका जो इसमें वह जॉब प्रोफाइल जो होने वाला है काफी अच्छा होने वाला है, क्योंकि जो हेडक्वार्टर होते हैं वो बड़े शहर में रहते हैं, डिवीजन भी होते हैं तो वो भी बड़े शहर में रहते हैं, और जो सब डिवीजन होते हैं वो भी लगभग डिस्ट्रिक्ट में, तो एक डिस्ट्रिक्ट जैसा जो छोटा शहर होता है, डिस्ट्रिक्ट का जो छोटा शहर होता है उसमें तो होते ही है। तो यानी कि आपका जो जॉब प्रोफाइल होने वाला है काफी अच्छा होने वाला है, आपका ऑफिशियल जॉब है ये, किसी भी प्रकार से कोई दिक्कत होने वाला नहीं है। आपका 12 घंटे का ड्यूटी रहेगा, आराम से आप ड्यूटी पे जाइए, ऑफिस में काम कीजिए, फिर अपना रिटर्न आइए। ड्रॉइंग एंड एस्टिमेशन डिपार्टमेंट होते हैं दोस्तों वो सीनियर डिविजनल इंजीनियर और डिविजनल इंजीनियर के अंदर ही काम करते हैं। इनको जो काम करना होता है वो या तो डिविजनल इंजीनियर या तो सीनियर डिविजनल इंजीनियर के इंस्ट्रक्शन पे काम करना होता है जिस डिपार्टमेंट में आप होते हैं। जैसे आप इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट में हैं तो आपका इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट का सीनियर डिविजनल और डिविजनल इंजीनियर होंगे, उनके इंस्ट्रक्शन के ऊपर काम करना पड़ेगा। आप मैकेनिकल में हैं तो मैकेनिकल के सीनियर डिविजनल इंजीनियर और डिविजनल इंजीनियर के इंस्ट्रक्शन के ऊपर काम करना होगा। आप एसएनटी में हैं तो एसएनटी डिपार्टमेंट वाले सीनियर डिविजनल इंजीनियर और डिविजनल इंजीनियर के इंस्ट्रक्शन पर आपको काम करना पड़ेगा। तो इसी प्रकार से इनका काम होता है। अगर आप हेडक्वार्टर में हैं, जोनल में हैं, आपका हेड में है, तो वहां पे जो होगा जो चीफ इंजीनियर होते हैं, जो चीफ ट्रैक इंजीनियर होते हैं, उनके इंस्ट्रक्शन में आपको काम करना होगा। अब दोस्तों हम ये जानते हैं कि आखिर इनको ऑफिस में काम क्या करना पड़ता है। क्या उन लोगों को ड्राइंग भी बनाना होता है? क्या हमको ऑटो कैट सीखना होगा? क्या हमको कैटिया सीखना होगा? तो दोस्तों ऐसा कोई बात नहीं है, इसमें आपको ड्राइंग सीखने की जरूरत नहीं है, ज्यादा ड्राइंग भी नहीं आता है। बस आप कंपटीशन निकाल के आ गए, ड्राइंग डिपार्टमेंट मिल गया, कोई दिक्कत नहीं है, आप आइए ज्वाइन कीजिए, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। क्योंकि दोस्तों आजकल जितना भी ड्राइंग बनाया जाता है वो सब कॉन्ट्रैक्ट को दे दिया जाता है, कॉन्ट्रैक्चुअल सारा काम होता है। तो कॉन्ट्रैक्ट वाले जो ड्राइंग बना के देते हैं वो ड्राइंग जब आता है पास होने आता है, सीनियर डिविजनल इंजीनियर उस पर साइन करते हैं या डिविजनल इंजीनियर साइन करते हैं, तो अगर वो बोलते हैं कि इसमें आपको कुछ ऐड करना है वो बताते हैं, तो वो काम आपको करना होता है। प्लस में दोस्तों आपका काम क्या होता है ऑफिस में कि मान लीजिए ऊपर से कोई जोनल हेडक्वार्टर से आपको ऑर्डर आया, मेल आया, तो उस मेल को क्या करना होता है कि आपको सर्कुलेट करना होता है सभी जगह, सभी एडीएन के पास, सभी ऑफिस में आपको सर्कुलेट करना होता है उस इंस्ट्रक्शन को। तो
तो यही काम होता है दोस्तों, आपको ऑफिस के अंदर रहना है, जो डिविजनल इंजीनियर सीनियर डिविजनल इंजीनियर जो भी इंस्ट्रक्शन देते हैं उस इंस्ट्रक्शन को आपको फॉलो करना है। जो एक क्लर्क का काम होता है दोस्तों वही काम आपको करना है ऑफिस में बैठ के। कोई भी काम ज्यादा भारी होने वाला नहीं है, आपका 12 घंटे का ड्यूटी होगा। प्लस में आपको क्या है कि जो ऑफिशियल काम होता है ज्यादातर वो उसमें क्या है कि आपको हफ्ते में 2 दिन की छुट्टी रहती है, सैटरडे संडे, तो इसमें आपको दोस्तों 2 दिन का छुट्टी मिल जाता है, लेकिन आपको जो ड्यूटी है वो 12 घंटे का होता है। अब ये जानते हैं दोस्तों कि ज्वाइन कर लेने के बाद हमारा ट्रेनिंग कहाँ पे होगा, ड्रॉइंग एंड एस्टिमेशन डिपार्टमेंट का, जूनियर इंजीनियर का। तो दोस्तों आपका जो ट्रेनिंग होता है वो ऑफिस में ही होता है, इसके लिए कोई अलग ट्रेनिंग सेंटर नहीं होता है। आप जिस ऑफिस में ज्वाइन करते हैं वहीं पे आपका ट्रेनिंग होता है। आपका ट्रेनिंग पीरियड जो होता है वो 1 साल का होता है। तो दोस्तों आपको ट्रेनिंग के लिए कहीं भी नहीं जाना है, आपको वहीं पे ऑफिस में ट्रेनिंग होगा। अब दोस्तों बात कर लेते हैं सैलरी के बारे में। तो दोस्तों जो ड्राइंग एंड एस्टिमेशन डिपार्टमेंट के जो जूनियर इंजीनियर होते हैं उनका दोस्तों क्या होता है कि ट्रेनिंग 1 साल का होता है। तो ट्रेनिंग जो होगा दोस्तों वो आपका ट्रेनिंग पीरियड में जो सैलरी होगा वो दूसरा होगा, और ट्रेनिंग पीरियड के बाद जो सैलरी होगा वो दूसरा होगा। क्योंकि दोस्तों आपका ट्रेनिंग पीरियड में जो सैलरी मिलेगा वो केवल बेसिक प्लस डीए मिलेगा, और जो सैलरी दिया जाता है दोस्तों वो आपको पता होगा कि जेई जो जॉब है वो 4200 ग्रेड पे का लेवल 6 का जॉब है। तो दोस्तों लेवल 6 4200 ग्रेड पे में जो बेसिक पे होता है वो 35400 होता है। यानी कि दोस्तों आपको 35400 बेसिक पे प्लस नवंबर अभी तो अब दिसंबर आ गया, तो अभी के हिसाब से आपको जो डीए मिलेगा 2022 के हिसाब से 38% आपको डीए मिलता है, तो बेसिक का 38%। तो दोस्तों बेसिक प्लस डीए दोनों को ऐड करके आपको ट्रेनिंग पीरियड में सैलरी मिलता है। तो दोस्तों अगर हम दोनों को ऐड करते हैं, आपको 35400 का निकालते हैं 38%, तो आपका लगभग दोस्तों 13,500 होता है। यानी कि दोस्तों आपको जो ट्रेनिंग पीरियड में जो मिलता है वो 35400 प्लस 13,500 को ऐड करते हैं तो लगभग 49,000 रुपीज आपको पर मंथ ट्रेनिंग पीरियड में मिलेगी। अब दोस्तों बात कर लेते हैं ट्रेनिंग की बाद की सैलरी, ट्रेनिंग बाद हमारा सैलरी कितना होगा। तो दोस्तों ट्रेनिंग बाद क्या होता है कि बेसिक पे भी बढ़ जाता है। आपका 1 साल का ट्रेनिंग होगा तो 1 साल बाद क्या है दोस्तों कि जनवरी जो महीना होता है हर साल का, उसमें बेसिक में 3% का इंक्रीमेंट लगता है। तो दोस्तों आप 35400 में 3% इंक्रीज करते हैं तो आपका 36500 रुपए होता है। तो आपका जो बेसिक हो जाएगा वो 36500 हो जाएगा। उसका आप अगर जो बेसिक निकालते हैं आपका डियरनेस अलाउंस 38%, तो आपका होता है दोस्तों 13870 रुपए, जो कि आपको डियरनेस अलाउंस ऐड करके सैलरी में मिलती है। फिर दोस्तों होता है अलग प्रकार के मिलने वाला अलाउंस होता है दोस्तों, आपका मिलता है टीए ट्रेवल अलाउंस, जो कि दोस्तों अभी जो है अभी के हिसाब से आपको 2412 रुपए दिया जाता है। जो ट्रांसपोर्ट अलाउंस है दोस्तों वो आपको ड्यूटी आने में जाने में जो खर्चा होता है, तेल हो गया, भाड़ा हो गया, तो उसके लिए रेलवे आपको देती है 2412 रुपए। अगला अलाउंस है दोस्तों आपका एचआरए हाउस रेंट अलाउंस। अगर दोस्तों आप रेलवे का क्वार्टर नहीं लेते हैं तो रेलवे आपको पर मंथ एचआरए देती है हाउस रेंट अलाउंस, जो कि दोस्तों आपका 9% होता है, या तो 18% होगा या तो 27-28% होगा। तो दोस्तों जो 9% होता है वो छोटे सिटी में दिया जाता है, छोटे स्टेशन पे, और जो 18% होता है वो मीडियम स्टेशन पे दिया जाता है, और जो 27% होता है वो बड़े स्टेशन पर मेट्रो सिटी में दिया जाता है। तो आप मान लीजिए दोस्तों जो ड्रॉइंग एंड एस्टिमेशन का जो ऑफिस होता है वो तो लगभग बड़ा स्टेशन पे ही होता है, बड़े शहर में ही होता है। तो आप मान लीजिए फिर भी मेट्रो सिटी नहीं है, फिर भी आपको मीडियम सिटी है, तो आपको 18% मिलेगा ही। तो दोस्तों अगर हम 36500 का 18% निकालते हैं तो दोस्तों आपका होता है 6570 रुपए, यानी कि एचआरए आपको ट्रेनिंग बाद 6570 रुपए रेलवे देती है सैलरी में ऐड करके, अगर आप क्वार्टर नहीं लेते हैं रेलवे का। तो टोटल बेसिक पे प्लस अलाउंस को ऐड करते हैं तो आपका होता है 59352 रुपीज, जो कि दोस्तों आपको मिलती है अगर आप रेलवे के ड्राइंग एंड एस्टिमेशन डिपार्टमेंट में जूनियर इंजीनियर बनते हैं। तो इसमें दोस्तों क्या है कि और जो जेई होते हैं डिपार्टमेंट के, उससे जो मतलब अलग अलग, जैसे वर्कशॉप का हो गया, आपका ट्रैक मशीन का हो गया, मतलब जिसका फील्ड ड्यूटी होता है, तो उसमें जो जेई होते हैं दोस्तों उससे थोड़ा सैलरी कम होता है इसमें, क्योंकि इनका ऑफिस ड्यूटी होता है, कहीं आना जाना नहीं है, इसलिए इन लोगों का ट्रैवल अलाउंस और किसी भी और प्रकार का अलाउंस नहीं बनता है। तो दोस्तों
सैलरी तो थोड़ा कम होता है और जो जेई होते हैं उससे, लेकिन दोस्तों इनका जो जॉब है वो आराम का है, ऑफिशियल जॉब है, क्लर्क टाइप का जॉब है। आपको आराम से कंप्यूटर पे काम करना है, आपको मतलब हमेशा ऑफिस के अंदर ही रहना है एकदम। पैसा कम है लेकिन, और जेई से पैसा कम है लेकिन आपका जॉब एकदम मस्त है, जॉब प्रोफाइल आपको काफी अच्छा रहने वाला है। अगर प्रमोशन की दोस्तों तो आप इसमें शुरू में तो जूनियर इंजीनियर रहते हैं, लेकिन फिर दोस्तों आप सीनियर इंजीनियर बनते हैं, एसएससी बनते हैं, फिर दोस्तों आप एडीएन बनते हैं, डीएन बनते हैं, इसी प्रकार से इनका प्रमोशन होता है। और दोस्तों ये जो प्रमोशन होता है दोस्तों, वो प्रमोशन होने में नॉर्मली काफी टाइम लगता है, बहुत टाइम लगता है प्रमोशन होने में। लेकिन क्या है कि अगर आप एग्जाम निकाल कर प्रमोशन होते हैं दोस्तों, क्या है कि समय समय पे तीन साल चार साल में रेलवे क्या है कि जीडीसी एग्जाम निकालते रहती है, तो उस जीडीसी एग्जाम को अगर आप पास करते हैं तो आपका प्रमोशन जल्दी हो सकता है एक अच्छे पोस्ट पे। अच्छे पोस्ट बोले तो मतलब ऊपर, काफी ऊपर तक आपका प्रमोशन हो सकता है, आप भी गैजेटेड ऑफिसर बन सकते हैं। लेकिन नॉर्मली जो है ऐसे प्रमोशन होने में बहुत टाइम लगता है। तो दोस्तों ठीक है, इस वीडियो में इतना ही। मुझे आशा है कि ये वीडियो आप लोगों को काफी अच्छा लगा होगा। तो दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, और चैनल को आप अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि दोस्तों हम आपके लिए इस टाइप की वीडियो लाते रहते हैं। और कमेंट करके भी बताइए अगर जे वीडियो में किसी भी प्रकार का कोई डाउट हो तो, और किस टॉपिक की आप वीडियो चाहते हैं, किस टॉपिक के ऊपर, आप कॉमेंट बॉक्स में कॉमेंट जरूर कीजिए। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।